अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीटीए से मोबाइल की रजिस्ट्रेशन यानी ईएमआई नंबर की मालूमात किस तरह से होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है, उधर आपने टाइप करना है पीटीए डिवाइस वेरिफिकेशन। तो ये जो ऊपर ऊपर आ गई है जिसका पीटीए का लोगो बना हुआ है, 4.3 पॉइंट की रेटिंग है, तो इस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है। मेरी डाउनलोड पहले से हुई है, लिहाजा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने इंस्टॉल कर देनी है अपने मोबाइल में। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेट का कनेक्शन ऑन कर देना है और ये पड़ी हुई है, इसको आपने ऑन कर देना है। देख सकते हैं आप इधर लिखा हुआ है एंटर IMEI, तो अपने मोबाइल का IMEI नंबर इधर आप लोगों ने डालना है, जिस तरह से मैं एक डाल रहा हूँ। तो अभी मैं चेक करता हूँ, चेक पर सिंपल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ आ गया, योर मोबाइल डिवाइस IMEI नंबर इज़ नॉन कम्प्लेंट, योर डिवाइस विल बी ब्लॉक्ड आफ्टर 1 डे ऑफ हिज फर्स्ट यूज़ ऑन पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क। इसका मतलब कि जो हमारा ये IMEI नंबर है ये रजिस्टर नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने वैसे मारा है आप लोगों के दिखावे के लिए, वरना जो मेरे ओरिजिनल नंबर हैं वो सब कंप्लेंट में दर्ज हैं। इसी जगह पर इसी ऐप में आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारा मोबाइल है इसकी IMEI नंबर रजिस्टर्ड हैं या गैर रजिस्टर्ड हैं इस ऐप के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, इन्जॉय करें ऐप और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा।